संसद में बजट सत्र का आज से दूसरा हफ्ता शुरू होगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही साथ साथ होगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सुबह 11 बजे दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। बोले बीजेपी बंगाल में हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किलें। रोड रेज मामले में सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट जारी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में आक्रोश दिवस मनाएगा। केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत आज दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। देहरादून में शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री का नाम होगा तय। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में आज नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उससे पहले बंशीधर भगत को राज्यपाल दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर की शपथ। चार राज्यों में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर 5 घंटे तक चली हाई लेवल मीटिंग। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। बीएल संतोष, पुष्कर धामी, त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज समेत कई नेता मौजूद थे। अमित शाह के बाद रमेश पोखरियाल के घर भी पहुंचे सभी बीजेपी नेता। पुष्कर धामी ने कहा सीएम पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। गोवा में शाम 4 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। बीजेपी पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ही होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। बीरेन सिंह दूसरी बार बनेंगे सीएम। योगी सरकार के 25 मार्च को हो रहे शपथ ग्रहण का मेगा प्लान तैयार। कार्यक्रम के अतिथियों के आने जाने की व्यवस्था सांसद और विधायक देखेंगे। यूपी के हर जिले के बीजेपी अध्यक्ष आने वाले अतिथियों की सूची लखनऊ भेजेंगे। यूपी में कम वोटों से हारे बीजेपी उम्मीदवारों को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भेजी चिट्ठी। आगे के लिए दिया मार्गदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 23 मार्च से 5 दिन का वाराणसी दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को किया संबोधित। सीएम भगवंत मान की तारीफ की। कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर तंज। कहा पंजाब में हमने सरकार बनाकर काम शुरू कर दिया। चार राज्यों में जीत के बाद भी बीजेपी में झगड़ा चल रहा है, सरकार नहीं बना पा रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान की तारीफ की। बोले मान दिल्ली की छाया से बाहर निकल रहे हैं, ये पंजाब के लिए अच्छी बात है। पंजाब में मान सरकार का बड़ा फैसला। विक्रम मजीठिया ड्रग्स केस की जांच कर रही एसआईटी बदली गई। नई एसआईटी आईजी गुरशरण सिंह संधू की देखरेख में काम करेगी। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जोर। 6 अप्रैल को मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। हिमाचल में दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। सस्ती होगी देशी शराब। नई आबकारी नीति को मंजूरी। अंग्रेजी शराब महंगी होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय। तेजस्वी यादव ने कहा विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने की तैयारी में देर कर दी है।
हमेशा सदैव शरद जी का साथ दिया है, तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी अब आपकी पार्टी है। ABP News, आपको रखे आगे।